कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। गुजरात में मोरबी हादसे में अब तक 141 की मौत। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने मोरबी हादसे पर शोक जताया। महापर्व छठ के आखिरी दिन उगता हुए सूरज और व्रतियों ने दिया अर्घ। यूपी में डेंगू चिकनगुनिया के साथ बेकाबू हुआ स्वाइन फ्लू। गाजियाबाद नोएडा में बुरा हाल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। हरदोई में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने सड़कों पर जाकर खुद गड्ढों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सड़कों के मरम्मत के कार्य को पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विकास भवन से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार त्वरित सड़कों का चिन्हित कर 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कराया जाए। इसी समीक्षा के लिए आए हैं कि जो भारी वर्षा हुई अभी आपने देखा पिछले महीने, उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं काफ़ी सड़कें प्रदेश की, और ये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जल्द से जल्द सभी सड़कें सुदृढ़ की जाएं, मोटरेबल बनाई जाएं और मरम्मत की जाए। एक एक बिंदुवार यहाँ समीक्षा की गई है कि कितनी प्रगति हुई है, कौन सी सड़कें खराब हैं, और आने वाले समय में मैं स्पष्ट कर देता हूँ, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर ढिलाई पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। 5 से 10 तारीख के बीच में हेडक्वार्टर से टीम आएंगी जो यहाँ पे समीक्षा भी करेंगे और औचक निरीक्षण भी करेंगे। पूरे देश में महापर्व छठ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाओं एवं श्रद्धालु जलाशय एवं नदियां के किनारे स्थित छठ घाटों पर सूर्योदय के काफी पहले से पहुंचे। बता दें कि संध्या अर्घ देने के बाद महिलाओं ने भगवान सूर्य की पूजा करते हुए अर्घ दिया और व्रती महिलाओं ने अर्घ देते हुए अपने घर परिवार के साथ अपने अमर सुहाग का आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही महिलाओं ने वहां पर मौजूद अन्य महिलाओं को स्वागत भी दिया। ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर से है, दूसरी चंदौली से है और तीसरी अयोध्या से, वहीं चौथी बुलंदशहर से और पांचवी गाजियाबाद से है, जहां बड़े ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जा रहा है। महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, धूमधाम से महापर्व छठ मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। पहली तस्वीर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, दूसरी सुल्तानपुर से है और तीसरी रायबरेली से, वहीं चौथी तस्वीर हरदोई से है और पांचवी तस्वीर गोंडा से आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ सुहागिन महिलाएं छठ का पर्व मना रही हैं। सुबह 4 बजे से घाटों पर अर्घ देने महिलाएं पहुंची हैं। अमर सुहाग रहने का आशीर्वाद मांगा महिलाओं ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़े ही धूमधाम से महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व है आज, जो दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है।
सूर्य षष्ठी भी इसको कहते हैं। इसमें दूर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और कल सप्तमी तिथि में उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये संसार का शायद सबसे बड़ा और सबसे पहला ऐसा अनुष्ठान है जहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसका इसका एक ये भी है कि आप ये देखिए, जो डूब रहा है वो उदय भी होगा, इसलिए आप अंधकार में मत रहिए, आपको उजाला पुनः मिलने ही वाला है। सूर्य षष्ठी के प्रति मैं बचपन से ही जो है सूर्य षष्ठी देखने जाती थी, रहती नहीं हूँ व्रत, श्रद्धा है और मैं मैडम के साथ में आती हूँ। यहाँ पर 3 साल से मैं आ रही हूँ। महत्व है निरोगता, आरोग्य रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें घर में, इसका विशेष महत्व सूर्य जी से इसीलिए है। मेन महत्व जो है सूर्य देव जो है आरोग्यता के देवता कहे जाते हैं, आरोग्य प्रदान होता है उनसे, इसीलिए सूर्य देव की उपासना होती है। क्योंकि वाटर एक तो पोल्यूटेड है और सेकंड नंबर में एयर पोल्यूशन भी है, तो मैंने सोचा कि काफी बेटर होगा घर पे ही करने के लिए, इसलिए मैंने घर पे ही किया है और मैं ये कोरोना के टाइम से ही करते आ रही हूँ। क्या पूरे रीति रिवाज से यहाँ पूजा? हाँ, पूरी विधि से करती हूँ, पूरी विधि से। जिस तरीके का हिंडन का पानी था, इस साफ नजर नहीं आ रहा था, तो यही एक खास पीछे वजह रही आपने घर जी, यही खास वजह है कि पानी बहुत ही गंदा है। हर साल वैसे आप जाते थे जो बीते साल रहे? हाँ, मैं हर साल जाती थी, लेकिन कोरोना के टाइम से ही मैंने जाना बंद कर दिया है और घर पे ही कर रही हूँ। घर पर तो बाध होकर करना पड़ता है, कारण की इतना प्रदूषण है, इतना जहर जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरी चीज के आपने देखा होगा पानी, नहर का पानी कितना गंदा है कि उसमें अगर लोग जाए पानी में हेलकर, पानी में इतना पानी में लोग जाकर भगवान सूर्य भगवान को अर्घ लोग देता है, सुबह शाम को भी दिया है, कल सुबह भी लोग देगा। पहली बार कर रहे हैं, क्या छठ मैया से मानी आपने? मन्नत किए थे कुछ, उसी को पूरा हुआ था, इसी को करने के लिए। मन्नत तो नहीं, हमारे घर की परंपरा, हमारी सास करती थी और उन्होंने हमारे जाने के बाद हमको दे दिया। वो छठ पर्व का जो सूप होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उन्होंने हमें दे दिया और उसी परंपरा को आज तक लोग निभाया जा रहा है। 4 दिन व्रत में रहते हैं। अच्छा, और क्या नाम है कि दिन भर व्रत में रहते हैं और क्या नाम है कि एक टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम। तो आज ही आप गंगा जी पर यहाँ छठी का व्रत कर रही हैं? हाँ, आज छठी का नाम की शाम को गंगा में किया जाता है, फिर सुबह में किया जाता है। अच्छा, 2 टाइम किया जाता है। आज छठी मैया का बहुत ही पावन डे है और आज हम सभी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा है, आज छठ पूजा है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी छठ पूजा को बहुत ही श्रद्धा से आज यहाँ पे करने आए हैं और हमारे साथ जितनी महिलाएं हैं सभी महिलाएं बहुत ही खुश होके और बहुत उत्साहित होके आज पूजा को करती हैं और ये 2 दिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। छठ पूजा की है हमारे बाल बच्चे सब लोग, छठी माता के जैसे पूजा की है, सबसे हमारे बाल बच्चे। कितना कठिन होता है या व्रत कैसे रखते हैं? कैसे पूजा संपन्न किया आपने, कितने बजे आप बुलाया? कैसे पूजा संपन्न हुई? डाला नाम से पूजा किया जाता है जो 3 दिन का व्रत चलता है। आज उसका समापन था और हमारे यहाँ औरतें पुरुष भी इस व्रत को करते हैं कि अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने सबकी समृद्धि, शांति, लंबी आयु के लिए। छठ पूजा को लेकर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, सादे में और यूनिफॉर्म में ड्यूटी लगी है, महिला कॉन्स्टेबल की ड्यूटी लगी है विशेष रूप से, और इसके अतिरिक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिससे किसी भी आपात स्थिति में लोगों से संपर्क किया जा सके। गोताखोरों की व्यवस्था है, गाँव की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड रखी हुई है, पूरी व्यवस्था है जिससे छठ का महापर्व बढ़िया से मनाया जा रहा है। डाला छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसे बिहारी लोग ज़्यादा मनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी ज़्यादा संख्या में मनाया जाने लगा है सुल्तानपुर में, और ये इसमें बहुत सबकी आस्था होती है, बहुत भीड़ भाड़ होता है, सुबह शाम अर्घ दिया जाता है, यही सब होते हैं पूजा में। ये आपका पहला साल है, दूसरा साल है, और किस तरह की भीड़ यहाँ पे देखने मिलती है? ये पूजा हम बहुत दिन से देख रहे हैं, कम से कम 25-30 साल से। डाला छठ की पूजा जो है वो ये बहुत ही भव्य त्यौहार होता है,
और इसमें जो है जितने भी तरह के सीजनी फल मिले और सब्जियां मिले और यही सब चढ़ाया जाता है। और बाकी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग को उसी एक दिन पहले मिलती हैं, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ से ले आते हैं और सारी चीज़ की व्यवस्था करके छठ की पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। ये छठ पूजा एक विश्वास और आस्था होता है। इसमें छठ पूजा दो साल में दो बार मनाई जाती है, जिसमें भी ये संतानों के लिए की जाती है। एक पहला छठ पूजा जिसको कहा जाता है ललई छठ, ये दूसरा छठ है, इसको डाला छठ कहा जाता है, लेकिन इसको लोगों ने महापर्व डाला छठ के नाम से मनाते हैं। और इसमें आस्था यह है कि बच्चों की संतानों के लिए कि ये व्रत रखा जाता है, घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। बहुत कठिन है और मुश्किलें का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जहाँ आस्था होती है वहाँ पे शक्ति माता ने अपने आप दे देती है। छठी मैया छठ परमेश्वरी बहुत शक्ति देती है कि हम हर एक कठिनाइयों को सामना करते हुए अपना व्रत को पूरा करते हैं, उसको निभाते हैं। ये पूजा करने से सबसे पहले तो हमारे परिवार में सुख शांति मिलती है, हमारे पति की लंबी उम्र होती है, हमारे बच्चों की लंबी उम्र होती है, उनको रोजी 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 रोटी बरकत देता है भगवान सूर्य भगवान का, इसलिए हम लोग ये पूजा करते हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। ये त्यौहार हमारा महापर्व है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व और छठी मैया का बहुत बड़ा पर्व होता है। ये बच्चे का त्यौहार है और तीन दिन का इसमें नियम होता है, तीन दिन का नियम होता है, एक नहाए खाए होता है वहीं शुरू होती है, फिर एक दिन खरना होता है, सारा दिन व्रत रहता है इंसान, शाम को प्रसाद बनता है, छठी की पूजा होती है, फिर उसके तीसरे दिन छठ माँ का पूजा होता है, संजी अरब का पूजा होता है तीसरे दिन, फिर उसके बाद ढलते हुए सूरज की पूजा होती है, फिर सवेरे सप्तमी लग जाती है तो सवेरे उगते हुए सूरज की पूजा होती है। और बहुत बड़ा महत्व है इस त्यौहार का कि आज छठ का मतलब पारण का दिन है और सुबह का अर्घ सूरज जी को भगवान को दे दिया गया है। और हम सब पूरे परिवार ने ये मनोकामना सबकी थी कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए, दीर्घायु हो सारे बच्चे घर में सब कुछ। और इस बार मतलब मेरी चाची ने दंडवत किया है पूरा, मतलब जो लेट करके आते हैं पूरा दंडवत किया हुआ है। तो हम लोगों ने बस यही एक मान्यता मानी है कि हमारा परिवार सुख समृद्धि और आगे सब कुछ अच्छा चलता रहे। ये मेरा तो दूसरी बार है, ये छठ पूजा करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने बेटे के लिए मनोकामना की थी तो मेरा पूरा हो गया है और हमको ये पूजा करके बहुत 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 खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और अभी भोर में अर्घ देंगे, उसके बाद हम मीठा खा के व्रत तोड़ेंगे। रामनगरी अयोध्या में भारत यात्रा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में एक खास महोत्सव का आयोजन होगा। बता दें कि नंदीग्राम महोत्सव का 15 नवंबर से आगाज होगा। सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए नंदीग्राम महोत्सव समिति की ओर से एक बैठक भी की गई है और इस बैठक में जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बैठक में निर्णय लेते हुए 15, 16 और 17 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा समिति की ओर से निःशुल्क चिकित्सा कैंप का भी आयोजन होगा। नंदीग्राम महोत्सव के बारे में हनुमानगढ़ी के महंत माननीय रामदास जी ने अभी प्रकाश डाला है और 15 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है और इस बार ये भव्य स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाएगा और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अभी महाराज जी ने प्रकाश डाला। अभी देखिए पहला अगले वर्ष की बात जो है, क्योंकि ये सौभाग्य का विषय है कि आज जो 15 तारीख है तो भरत यात्रा निकाली है, तो उस 50वां वर्ष हो गया उसका। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा अयोध्या से निकाला गया, पूज्य मणि रामदास छावनी के पूज्य महाराज जी के संयोजन में, तो वह स्वर्ण जयंती यात्रा है और उसी के तत्वाधान में ये नंदीग्राम महोत्सव समेत 3 दिवसीय आयोजन करेगी। शाहजहांपुर के लोधीपुर में खन्नौत नदी घाट पर छठ पूजा का पर्व मनाया गया। पूर्वांचल महासभा के बैनर तले घाट पर छठ पूजा पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। छठ व्रतियों ने उदय होते हुए सूरज भगवान को दूध का अर्घ दिया और पूजा कर व्रत का समापन किया। इसके साथ
ही वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी तड़के सुबह खन्नौद घाट पर पहुंचे और छठ पूजा का महत्व बताते हुए छठ व्रतियों को बधाई दी। इसके साथ ही पूरे घाट की सजावट का अवलोकन कर नगर निगम व नगर आयुक्त द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। दूसरे दिन ये है कि इस समय हम लोग सुबह उठ करके आते हैं, क्योंकि रात भर अपना जो भी व्रती होते हैं वो अपने पूजा पाठ रात में करते हैं, भजन संध्या करते हैं और सुबह आकर के सुबह सूर्य भगवान जब उदय होते हैं उस पर उनको अर्घ देते हैं, उसके बाद अपने व्रत का समापन करते हैं। पूजन यही है कि शाम को शाम भी होती है, सुबह भी होता है, सब विधि विधान से 24 घंटा का व्रत होता है हम लोग का। 24 घंटा की व्रत में मन कुछ खाना पीना नहीं है, सब फल फलहार जितना जुट जाए उतना जुटा के पूजन करनी होती है। दोनों टाइम अर्घ होता है, यही कुल पूजा में चलती है। फल फलहार है, मान लीजिए कि छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, खास तौर से पूर्वांचल में और बिहार में। इसके लिए जो मान्यता है कि 36 घंटे महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और उसके बाद सूर्य को अर्घ देकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। दिन का होता है छठ पूजा, पहला दिन खरना, नहाए खाए, उसके बाद खरना, फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ, आज दूसरा अर्घ से समाप्त किया जाता है। सूर्य देव के देते हैं, सूरज देव के देते हैं। बिंदु सिंह। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में हरियाली के दुश्मनों का कहर जारी है। आए दिन वन माफियाओं और सिस्टम की मिलीभगत से हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई है, लेकिन इस बात को लेकर प्रशासन हमेशा इनकार करता चला आ रहा है। इतना ही नहीं, फॉरेस्टर संजय सिंह के मामले में उन्हें के आदेशानुसार लकड़ी दलन उठाने की मशीन को घटनास्थल से हटा दिया गया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। कासगंज में स्पोर्ट्स स्टेडियम में शहीद देवेंद्र मेमोरियल कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहला मैच पुलिस अधीक्षक कासगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम व व्यापार मंडल की टीम के साथ हुआ, जिसमें पुलिस की टीम ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं पर दूसरा मैच पुलिस व सोरो व्यापार मंडल की टीम में हुआ, जिसमें कासगंज पुलिस की टीम ने 9 रन से जीत हासिल की। इसके साथ ही फाइनल मैच कासगंज पुलिस व सोरो व्यापार मंडल की टीम के बीच हुआ, जिसमें पुलिस टीम ने 13 रन से जीत हासिल की। मैच के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने प्रतिभागियों को मेडल व ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया, साथ ही पुलिस टीम को शहीद देवेंद्र मेमोरियल कप देकर सम्मानित किया गया। हरदोई में सफाई कर्मचारियों ने नाले के अंदर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल डीएम ने सफाई कर्मचारियों को ही उपस्थिति को बायोमेट्रिक करने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद इस आदेश का पालन करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने जिले भर में तैनात सफाई कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के हिसाब से दिए जाने का फरमान सुनाया। सफाई कर्मचारियों को अफसर का यह आदेश नागवार गुजरा, जिसके बाद तमाम सफाई कर्मचारियों ने सीडीओ आवास के पीछे स्थित नाले में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया और सफाई ने मांगे ना पूरी होने पर प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही। जो हम लोगों की मांगे हैं वो एक तो राजेश गांव के जो मुख्य मार्ग है वो चिन्हित किया जाए, जो जाप चार्ट में व्यवस्था है उस हिसाब से सफाई कर्मचारियों से कार्य लिया जाए। दूसरी चीज़, जो बायोमेट्रिक की व्यवस्था सफाई कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती ला दी जा रही है वो गलत तरीके से ला दी जा रही है। सफाई कर्मियों के लिए प्रधानों से उपस्थिति के आधार पर ही वेतन निकालने का शासन का निर्देश, जाप चार्ट की भी व्यवस्था है। जिला पंचायत राज अधिकारी अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे,
साथ में यदि जनसंख्या के हिसाब से तैनात करना चाहते तो जो शासन की व्यवस्था है 10,000 की आबादी पर 28 कर्मचारियों को वो व्यवस्था लागू करें, अन्यथा जो है कि सफाई कर्मचारी उसका विरोध करेगा। साथ में जो 29/9/2022 को सफाई कर्मचारियों के ऊपर 29/9 जो ज्ञापन दिया गया था उसके विरोध में जो जिला पंचायत राज अधिकारी ने गलत तरीके से कर्मचारियों की नोटिस जारी की है उनको तत्काल वापस लें। खबर फिरोजाबाद के थाना सिखोहाबाद क्षेत्र से है जहां पर पीएससी में तैनात सिपाही की बेटी की फेसबुक पर एक शख्स से दोस्ती हुई थी। शख्स अमरोहा का शाहरुख उर्फ विहान बताया जा रहा है और शख्स ने सिपाही के बेटी से संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर सर कलम करने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी युवक ने सिपाही के बेटे और बेटी दोनों को सर कलम करने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में जाकर दर्ज कराया है और आरोपी पर तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना सिखोहाबाद में देखिए एक व्यक्ति जो है छत्रपाल सिंह, ये पीएससी इटावा में पोस्टेड है और ग्राम असुआ सिखोहाबाद के रहने वाले। इन्होंने सूचना दी कि इनकी 22 वर्षीय पुत्री की फेसबुक पर किसी शाहरुख नाम के व्यक्ति से मित्रता हुई, वहाँ से दोनों बातचीत करने लगे, फिर वो व्यक्ति इनसे इनकी पुत्री से मिलने सिखोहाबाद आया और अब जो है वो फेसबुक के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से उसकी पुत्री को ब्लैकमेल कर रहा है, शादी करने का दबाव बना रहा है। तो इन्होंने तहरीर दी, उस पर तत्काल जो है सिखोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत करने के बाद दो टीमें दो सब इंस्पेक्टरों की नेतृत्व में लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।